तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप और आपके पेट्स दोनों काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि यदि आपको एक न्यू पपी लेना है, आप एक न्यू पपी लेने की सोच रहे हो, तो कौन सा पपी आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके घर के लिए कौन सा पपी सही रहेगा, कौन सा पपी आपके घर में एडजस्ट हो जाएगा, चाहे वो फैमिली डॉग हो, गार्ड डॉग हो, आपकी क्या नीड है, आपको किस टाइप का पपी चाहिए। और क्योंकि जब आप एक पपी को लोगे तो वो एक दो दिन के लिए नहीं आएगा दोस्तों, 13-14 साल की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आती है। तो कोई भी पपी चूज़ करने से पहले आपको कई बार सोच लेना है, हर जगह से पता कर लेना है कि कौन सा पपी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही चीज बताई है, आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को बस एंड तक जरूर से देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक पपी चूज़ करने से पहले आपको इन चीज़ों को ज़रूर से ध्यान में रखना है कि जो आपकी लाइफ है इसमें कैसी एक्टिविटीज़ हैं, आपकी लाइफ में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि आप घर में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, ऑफिस या बाहर काम में कितने टाइम के लिए जाते हैं, आपके घर में कौन कौन से मेम्बर्स हैं, कौन कौन फैमिली मेम्बर हैं, आपके घर में बेबी हैं कि नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं कि नहीं। एक पपी लाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है, ये सारी चीज़ें जान लेनी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको किस टाइप का पपी चाहिए होता है। तो आप देख लीजिए कि आप कितने एक्टिव हैं या आपका काम किस टाइप का है। अगर आप लेजी हैं तो आपके लिए अलग ब्रीड है, यदि आप एक्टिव हैं तो आपके लिए अलग ब्रीड है, यदि आपके घर में बच्चे हैं तो आपको अलग ब्रीड में जाना पड़ेगा, यदि आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो आप अलग ब्रीड भी ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, तो आपको गौर जरूर से करनी है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इन चीज़ों को माइंड में ज़रूर से रखना है कि आपको किस टाइप का डॉग चाहिए। आपको अपनी फैमिली में एडजस्ट होने के लिए एक डॉग चाहिए तो वो अलग ब्रीड है दोस्तों। यदि आपका घर छोटा है, आप कम जगह पर रहते हैं, यानी कि आपका छोटा स्पेस है घर में, तब आपको कौन सी ब्रीड चाहिए उसके लिए आपके लिए अलग ब्रीड है। यदि आपको सेफ्टी के पर्पज़ से डॉग चाहिए होता है, यानी कि आपकी नीड है कि मेरे घर में एक गार्ड डॉग हो जो हमारे घर को सिक्योर रखे, सेफ्टी रखे, तो उसके लिए अलग ब्रीड है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले जान लेनी है, समझ लेनी है कि आपको कौन सी नीड है और उस हिसाब से आपके लिए ब्रीड बनाई गई है। तो आप इस चीज़ों को जरूर से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं पहली चीज़ की कि आपकी नीड किस टाइप की है, आपको किस टाइप का डॉग चाहिए। यदि आपको ऐसा डॉग चाहिए जिसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रहे, आपका छोटा स्पेस है घर में, आप मतलब कम जगह वाले घर में रहते हो, आपका छोटा घर है, आपको वैसा डॉग चाहिए जो इस घर में एडजस्ट हो जाए, तो आप स्मॉल साइज़ ब्रीड पर भी जा सकते हैं, जो कि है हमारी पग, बीगल, डैशहंड, आप इन पर भी जा सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी छोटे वाले ब्रीड है, मतलब कि हमारे स्मॉल साइज़ की ब्रीड होते हैं और टॉय ब्रीड भी है। अगर आपके घर में कोई बच्चे वगैरह भी है तो भी इन डॉग से उनको बिल्कुल भी खतरा नहीं है और ये छोटे स्पेस में कम जगह वाले स्थानों पर अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं। इनकी केयर के लिए आपको उतना पैसा लगाने की जरूरत भी नहीं होती है और मतलब काफ़ी अच्छे डॉग हैं जी आपके लिए, तो आप इन पर भी जा सकते हैं, इनको भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यदि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपके घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं, आपका घर बड़ा है, तो उस कंडीशन में कौन सा डॉग आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके घर में बहुत सारे बच्चे भी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक मीडियम साइज़ का डॉग लीजिए और एक फैमिली डॉग लीजिए जो कि आपकी फैमिली के साथ ईजिली रह पाए। तो इन ब्रीड्स को मैं आपको बताता हूँ जो कि काफ़ी अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं, जिनमें है पहला नाम गोल्डन रिट्रीवर। आप गोल्डन रिट्रीवर को भी रख सकते हैं जो काफ़ी अच्छा फैमिली डॉग है। दूसरी चीज़ है लैब्राडोर, आप लैब्राडोर को रख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा फैमिली डॉग है, ये आपके बच्चों के साथ भी रह लेगा, उनको इजीली मतलब सबके साथ एडजस्ट हो जाता है, बहुत प्यारा डॉग है, तो आप इनको भी रख सकते हो। तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा बीगल, आप बीगल को भी रख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छे फैमिली डॉग होते हैं, आपकी फैमिली के साथ ईजिली एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये तीन डॉग्स हैं मीडियम साइज़ के हैं जिनको आप अपनी फैमिली के साथ रख सकते हो, बिल्कुल उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। गोल्डन रिट्रीवर, हमारा लैब्राडोर और हमारा बीगल, आप इनको ईजिली रख सकते हो। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ ऐसे डॉग्स की जिनको लोग सिक्योरिटी के पर्पज़ से पालते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनको गार्ड डॉग भी कहते हैं। यदि आपको एक ऐसे डॉग चाहिए जो कि आपके घर को सिक्योरिटी दे सकें, आपके घर को सिक्योर रख सकें, तो आप गार्ड डॉग ले लीजिए। इनमें मैं तीन नाम आपको बताना चाहूँगा, जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर और डॉबरमैन। लेकिन मैं एक चीज़ आपको अभी भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो डॉबरमैन और रॉटवाइलर है वो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए नहीं है। अगर आप सेकेंड टाइम ले रहे हो इन डॉग्स को, मतलब आप सेकेंड टाइम डॉग को पाल रहे हो अपने घर पर, तब आप रॉटवाइलर या डॉबरमैन को लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इनको बचपन से ही अच्छे तरीके से सोशलाइज कराना है, अच्छी ट्रेनिंग देनी है, वरना ये लोगों पे अटैक कर देते हैं, इनके बाइटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं और आपके फैमिली वालों को भी खतरा हो जाएगा। तो यदि आप रॉटवाइलर या डॉबरमैन को ले रहे हो तो आपको इनको अच्छे तरीके से सोशलाइज कराना है, अच्छे तरीके से इनको ट्रेनिंग देनी है। बाकी जो हमारा जर्मन शेफर्ड डॉग है वो बहुत ही प्यारा डॉग है, वो किसी भी फैमिली वालों के साथ एडजस्ट हो जाता है और साथ ही साथ आपके घर को गार्ड भी करता है, तो जर्मन शेफर्ड एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि आप ऑफिस वगैरह जाते हैं उस समय आपके घर में कोई नहीं रहता है, आपका जो डॉग है वो 5 से 6 घंटे के लिए घर में अकेला रहेगा, तो उस कंडीशन में कौन सी ब्रीड आपके लिए बेस्ट रहेगी? तो दोस्तों इस कंडीशन में जो हमारे स्मॉल साइज और मीडियम साइज के डॉग्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारा पग हो गया, बीगल हो गया, हमारा इंडियन स्पिट्स हो गया, ये डॉग ईजिली घर में अकेले रह लेते हैं। तो आप जब आपका यदि ऐसा काम है कि आप 5-6 घंटे बाहर रहते हो, चाहे वो ऑफिस के पर्पज़ से हो चाहे वो जॉब के पर्पज़ से हो, तो आप इन डॉग्स को पाल लीजिए। ये डॉग्स इजीली घर पे अकेले रह लेंगे, ये सेल्फ डिपेंडेबल होते हैं, ये अकेले रहने की क्षमता रखते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे डॉग हैं जो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आप ईजिली बाहर जाके वर्क कर लेना और फिर जब घर में आओगे तो ये आपको बहुत ही अच्छा रहेंगे, अच्छी कंडीशन में आपको मिलेंगे, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं एक्टिविटी का कि आप खुद कैसे हो। यदि आप खुद से एक एक्टिव हो तो आपको एक्टिव डॉग लेना है, यदि आप लेज़ी हो तो आपको लेज़ी डॉग लेना है। मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों, यदि आप एक्टिव हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, आप यहाँ वहाँ भाग दौड़ करते रहते हो, तो उस कंडीशन में आपको एक एक्टिव डॉग लेना है जो कि आपके साथ मैच खाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यदि आप लेज़ी हो तो आपको लेज़ी टाइप का डॉग लेना है जो ज़्यादा चलता फिरता ना हो, मतलब कि एक जगह बैठा रहे, वैसा डॉग आपको चाहिए होता है। तो यदि आप एक्टिव हो तो इस कंडीशन में आप इंडियन स्पिट्स, लेब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेपर्ड इनको रख सकते हो। और यदि आप लेजी हो, आप मतलब बैठ के सिर्फ कंप्यूटर में काम करते हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो, आपको ज़्यादा उठना बैठना नहीं है, ज़्यादा यहाँ वहाँ घूमना फिरना नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप पग वगैरह ले सकते हो, बीगल वगैरह ले सकते हो, बुलडॉग वगैरह ले सकते हो, तो इन डॉग्स को रख सकते हो। साथ ही साथ लेब्राडोर जो रहता है वो आपके ऊपर रहता है कि आपको उसको बचपन से एक्टिव बनाना है या लेज़ी बनाना है। यदि आपको एक्टिव बनाना है तो वो आपको देखा सीखी खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। यदि आप एक्टिव हो तो आपका जो पपी होता है, आपका जो डॉग होता है, वो भी एक्टिव हो जाता है। यदि आप लेज़ी हो तो आप कोई भी ब्रीड ले लो, आपका डॉग खुद ब खुद लेज़ी हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि आपको अपने पपी को एक्टिव बनाना है या लेज़ी बनाना है, तो जैसा आप चाहो अपने पपी को बना के रख सकते हो। दोस्तों घर में एक पपी लाने से पहले आपको जो अपना जो एरिया होता है वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का वेदर का भी ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आप न्यू दिल्ली में रहते हैं और वहाँ पर आप यदि सोचोगे कि आपको साइबेरियन हस्की, सेंट बर्नार्ड जैसे ब्रीड को लाना है, ब्रीड्स को पालना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि गर्मियों के समय में मतलब जो हमारे यहाँ एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है उनसे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको काफ़ी सारे हेल्थ इशू निकलते हैं। तो इस कंडीशन में आप भी परेशान होंगे और जो आपका डॉग है वो भी परेशान होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप किस वेदर में रहते हैं और उस वेदर के हिसाब से ही आपको एक पपी लेना है जो थोड़ी बहुत गर्मी को सह सके, वैसे डॉग ही आपको रखने हैं, क्योंकि इंडिया में आज के टाइम पे कितनी गर्मियां पड़ रही हैं ये तो आप भी जानते हैं। तो ऐसे डॉग्स को लीजिए जो यहाँ के वेदर के हिसाब से भी अपने आप को एडजस्ट कर सकें। दोस्तों हो सके तो आप एक इंडियन स्ट्रीट डॉग जो कि हमारा इंडियन पैरियर डॉग होता है, आप उसको भी पाल सकते हैं। वो चाहे आपका स्मॉल साइज हो, मीडियम साइज हो, लार्ज साइज हो, चाहे वो आपका फैमिली डॉग हो, चाहे वो गार्ड डॉग हो, चाहे वो टॉय ब्रीड हो, तो इन सभी का काम वो अकेला डॉग आपको करके देगा। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, किसी डॉग को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो आप ज़रूर से कर लीजिएगा। ऐसा करने से क्या होता है, जो हमारा स्ट्रीट डॉग होता है उसको एक घर मिल जाता है और आपको भी एक डॉग मिल जाता है। तो आप ये ज़रूर से कर लीजिएगा अगर आप कर सकते हैं तो। बाकी स्ट्रीट डॉग भी काफी बेस्ट होते हैं और इंडियन वेदर के हिसाब से वो नंबर 1 डॉग है, नंबर 1 एडजस्टेबल डॉग है। उनको उतनी बीमारियां नहीं होती हैं, हेल्थ इशू नहीं होते हैं, उतनी केयर उनको करने की जरूरत नहीं होती है, तो आप उनको भी रख सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको सब क्लियर कर दिया कि आपको एक पपी को लेने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको अपने पपी को कैसे चूज करना है, कि आपके लिए कौन सा पपी बेस्ट है। अगर आपको अभी भी कुछ समझने में डाउट है, समझने में दिक्कत है, तो आप मुझे इस वीडियो की कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं हर चीज का रिप्लाई कर दूंगा और आपके आंसर देने की ट्राई करूंगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना।